यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है जिसमें एक व्यक्ति कलकत्ता में हुए एक मर्डर के लिए चार्ज है एंड उस केस के अंदर वो व्यक्ति एक डिफेंस लेता है कि वो उस दिन है जो बॉम्बे में था तो यहाँ पर जो ये उसके द्वारा डिफेंस लिया गया है या ये जो फैक्ट है कि वो बॉम्बे में था उसको एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के अंदर कंसिडर किया गया है या हम उसे क्या कहते हैं या इस फैक्ट के रिगार्डिंग एविडेंस एक्ट कौन से प्रोविजन प्रोवाइड करता है और उसको किस तरह से डील किया जाता है तो उन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जाम्पल को भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हाई गाइज हाव आर यू ऑल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन इलेवन ऑफ द एविडेंस एक्ट जिसमें बताया गया है कि जो फैक्ट नोट अदरवाइज रिलेवेंट वो वैसे रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो रिलेवेंट हो जाते हैं तो इस सेक्शन के अंदर कौन से फैक्ट्स को कहा गया है कि जो नोट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट तो चलिए देखते हैं ये सेक्शन इलेवन क्या कहता है लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन दबा लें ताकि इसके रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और प्ले भी एक्सेस कर लें जो कि आई बटन में या चैनल के प्ले सेक्शन में है तो सेक्शन इलेवन कहता है कि फैक्ट्स नोट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं सेक्शन इलेवन में पहला क्या कहता है कि इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट यानी कि यदि कोई भी फैक्ट्स हैं वो इनकन्सिस्टेंट है किन इन से फैक्टिन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट फैक्टिन इशू या रिलेवेंट फैक्ट क्या है वो आप आई बटन में दी गई वीडियो से क्लियर कर लें एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ़ बाय देफ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्टिन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम यानी कि कोई भी फैक्ट जो या तो अपने आप से या किसी अदर फैक्ट के कनेक्शन में क्या करते हैं एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस किसी भी फैक्ट फैक्टिनिश्यू या रिलेवेंट हाईली प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग अब सेक्शन इलेवन क्या कहता है सेक्शन इलेवन दो फैक्ट्स के बारे में बात करता है इनकन्सिस्टेंट फैक्ट्स और प्रोबेबिलिटीज के बारे में तो सेक्शन इलेवन है वो डील करता है उन फैक्ट्स के साथ में जो कि ऑर्डरी हैव नथिंग टू डू विद द फैक्ट्स ऑफ द केस यानी कि एक्चुअल में उनका जो फैक्ट्स हैं केस के उनके रिगार्डिंग उनका कुछ भी नहीं है एंड आर नॉट देम सेल्फ रिलवेंट वो अपने आप में रिलिवेंट नहीं है बट दे बिकम रिलेवेंट बाई वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट दे आर आइर इनकन्सिस्टेंट विद द फैक्ट इन इश्यू रिलेवेंट फैक्ट और दे मेक एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट आईदर हाईली प्रोबेबल और इनप्रोबेबल यानी कि वो अपने आप में किसी भी फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेवेंट नहीं है रिलेटेड भी नहीं है लेकिन उनका जो एक वर्च्यू है कि वो इनकन्सिस्टेंट है फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के या फिर कोई एग्जिस्टेंस के बारे में तो उस आधार पर वो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं तो देखते हैं किस तरह से फर्स्ट जो पॉइंट में दिया गया था इनकन्सिस्टेंट फैक्ट्स इनकन्सिस्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर प्लेयर ऑफ एलिबाई भी कहते हैं जो कि हमने जो शुरू में एग्जाम्पल पढ़ा था उसके अंदर उस अक्यूज के द्वारा लिया गया था यानी कि वो कहीं और था जिस टाइम वो क्राइम हुआ तो यहाँ पर जो एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं उन फैक्ट के बारे में जो कि अदर कनेक्शन नहीं है विद द मेन फैक्ट बट वो इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट्स के और जो उनकी इनकन्सिस्टेंसी है विद द मेन फैक्ट वही यहाँ पर स्पेशेंट है उनकी रिलेवेंसी को वारंट करने के लिए जो ये सेक्शन है वो एक पर्सन को अनेबल करता है जो कि एक क्राइम के साथ चार्ज है क्या टू टेक द कॉमनली कॉल्ड प्ले ऑफ एल बाई जिसको हम एक डिफेंस के तौर पर लेते हैं जिसका मीनिंग क्या है कि हिज प्रेजेंस एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ द क्राइम यानी कि जब क्राइम कमिट हुआ था उस टाइम वो व्यक्ति वहां पर मौजूद ही नहीं था वो कहीं और ही मौजूद था तो ऐसा जो डिफेंस जब अक्यूज के द्वारा लिया जाता है तो उसे हम यहाँ पर प्लेयर ऑफ एलिबाई कहते हैं एंड जो उसकी प्रेजेंस है एल्सवेयर इज इनकन्टेंट है विद द फैक्ट दैट ही शुड बी प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द क्राइम यानी कि जब क्राइम हुआ है अगर वो अक्यूज है उस क्राइम का तो उसे वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए था ये उसका एक रिलेवेंट फैक्ट होता लेकिन वो वहां पर था ही ना यानी कि यानी कि वो इनकन्सिस्टेंट है कि वो कहीं और ही मौजूद था वो उस टाइम वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था जिस टाइम वो क्राइम हुआ था फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक व्यक्ति है है जो है मर्डर जो कि कि विद मर्डर हैलकत्ता में हुआ है तो उस उस केस के अंदर वो 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 क्या डिफेंस लेता है कि उस दिन वो है वो है कि दिन व्यक्ति जो बॉम्बे में था तो यहाँ पर जो उसकी प्ले ऑफ एलि का जो डिफेंस लिया गया है उसके द्वारा उसको जो प्रूव करने के लिए वो क्या शो कर सकता है अपनी वहां की बॉम्बे के अंदर कोई अटेंडेंस है उसको जैसे कि उसने किसी डॉक्टर को विजिट किया है तो उसकी जो रिसिप्ट है या कोई एडवोकेट्स वकील को उसने विजिट किया तो उसकी कोई रिसिप्ट या फिर कहीं और किसी प्रोफेशनल जगह या होटल्स वगैरह कहीं पे भी उसने विजिट किया है तो उसकी जो प्रोफेशनल डायरीज हैं या कोई एंट्री बुक्स वगैरह हैं उसके अंदर उसकी कोई प्रेजेंस है वो यहाँ पर शो कर सकता है तो इस तरह से वो अपनी जो प्ले ऑफ एलिबाई का डिफेंस है वो यहाँ पर प्रूव करेगा एंड जो बर्डन है प्ले ऑफ एलिबाई को प्रूव करने का वो उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो कि उसे सेट करता है यानी यानी कि कि वो, वो सेट इट अप, कि जो व्यक्ति का डिफेंस लेता है वही उसको प्रूव करेगा कि मैं जिस टाइम क्राइम हुआ था उस टाइम कहीं ओवर प्रेजेंट था और यहां पर जो प्ले ऑफ एलिबाई है वो पोस्टुलेट क्या करती है एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज एट द सीन ऑफ द ऑफेंस बाय रीजन ऑफ हिज प्रेजेंस एट द अनदर प्लेस यानी किसी दूसरी जगह पर उसके मौजूद होने की वजह से उसकी जो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है यानी कि वो उस क्राइम वाली जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकता था जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल था जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल था तो ऐसे किस्में यहाँ पर प्ले ऑफ अली भाई मान्य होगी अगर एक केस में देखा जाए जिसमें मुनिषी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है ए या या 2001 में जहां पर कोर्ट ने क्या कहा था कि एक डिस्टेंस ऑफ 400 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड यार्ड्स बिटवीन द प्लेस ऑफ ऑकरेंस यानी कि एक प्लेस है जो क्राइम के ऑकरेंस का एंड जो प्लेस जहां पर जो अक्यूज क्लेम करता है कि वो प्रेजेंट था वॉज हेल्ड क्या हेल्ड क्या है क्या हेल्ड किया गया था नोट अमाउंटिंग टू द प्रेजेंस एल्स यानी कि वो इतना शॉर्ट डिस्टेंस था कि वो उस सिचुएशन के अंदर उस व्यक्ति के द्वारा कवर करना पॉसिबल था उस टाइम वो व्यक्ति वहां दोनों जगह पर प्रेजेंस हो सकता था जो कि उस केस की फैक्ट्स के आधार पर देखा जा सकता है एंड एक फैक्ट है डेट की अक्यूज ने जो फॉल्स प्ले ऑफ एलिबाई लिए तो ये फैक्ट अपने आप में जो है प्रूव नहीं करता क्या प्रूव नहीं करता कि दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस यानी कि अगर वो प्ले ऑफ एलिबाई लेता है या फॉल्स प्ले ऑफ एलिबाई लेता है कोई अक्यूज तो ऐसे केस में वो अपने आप में ये प्रूफ नहीं कर सक करता वो फैक्ट कि जो व्यक्ति अक्यूज है वो उस ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि एक केस गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2005 में हेल्ड किया गया था अब नेक्स्ट आता है फैक्ट शोइंग प्रोबेबिलिटी तो इसमें क्या कहा गया है कि जो एविडेंस है वो उस एवरी फैक्ट का दिया जा सकता है जो कि या तो अपने आप में या फिर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट क्या करता है वो करता है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस बताता है किसी भी फैक्ट इन इशू का या फिर रिलीवेंट फैक्ट का जो कि हाईली प्रोबेबल है या फिर इम्प्रोबेबल है बहुत सारे केसेस के अंदर पार्टिकुलरली इन रेफरेंस ऑफ द सम फैक्ट्स जो कि डायरेक्टली प्रोवेबल नहीं है तो वहाँ पर ऐसे ही सिचुएशन के अंदर कोर्ट को कुछ प्रोबेबिलिटीज के थ्रू जाना पड़ता है यानी कि वो ऐसे फैक्ट्स को भी देखती हैं जिनको देखने के बाद कोर्ट को ये लगता है या ये प्रोबेबिलिटीज लगती हैं कि इस फैक्ट्स के थ्रू उस जो पार्टिकुलर फैक्ट्स है उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एग्जाम्पल क्या है कि एक रूम है जिसमें फाइव पर्सन है एंड उनमें से किसी एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है एंड उस केस की जो सर्कुल हैं वो क्या शो करती हैं कि जो ये वर्क है वो किसी इन पांचों में से एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो यहाँ पर जो एविडेंस है उन सभी फैक्ट्स के बारे में दिया जा सकता है जो कि एक प्रोबेबिलिटी यानी कि एक संभावना क्रिएट करते हैं कि इन में से कौन से व्यक्ति ने हैं जो वो मर्डर किया है या फिर कौन सा व्यक्ति उनसे कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि वहाँ पर उसकी मर्डर के रिगार्डिंग कोई प्रोबेबिलिटी या इम शो करते हैं तो उन सभी फैक्ट्स को वहाँ पर सेक्शन 11 के अंडर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड सेकंड के एग्जांपल में जैसे कोई व्यक्ति चीटिंग के लिए चार्ज है तो वहाँ पर एविडेंस दिए जा सकते हैं इस फैक्ट के बारे में कि जो वो व्यक्ति है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, से बिलोंग करता है जो कि चीटिंग के रिगार्डिंग में हैबिचुअल है यानी कि उनका जो वर्क है वो चीटिंग करने का ही है तो वो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है कि वो जो क्राइम है वो उसी के द्वारा ही कमिट किया गया है इसी तरह से वो फैक्ट भी यहाँ पर रिलेवेंट होंगे जो कि हाईली इम्प्रोबेबल है फॉर एग्जाम्पल एक केस के अंदर संता सिंह वर्स स्टेट ऑफ पंजाब में जहां पर विटनेस हैं वो टेस्टिफाइड होते हैं एंड दैट वो क्या देखते हैं कि एक डिसीज है वो बींग शूट किया गया है फ्रॉम एन डिस्टेंस ऑफ अ ट्वेंटी फाइव फीट यानी कि वो जो विटनेस है वो कहते हैं कि उस डिस को ट्वेंटी फाइव फीट से यहाँ पर शूट किया गया है लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या शो करती है कि जो उसको चोट लगी है उसका नेचर क्या है कि वो उसको एक ऐसे डिस्टेंस से कॉज की गई है पहुंचाई गई है जो कि यार्ड है तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो रेंडर क्या करती है उस जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स है उनको हाईली इम्प्रोबेबल कहती है यानी कि वो तो कहते हैं ट्वेंटी फाइव फीट से है लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है वो लेस देन यार्ड से है। तो यहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या शो करती है कि जो नेचर है वुड का वो ऐसा है कि जो कि एक ऐसी डिस्टेंस से उसको कॉज किया गया है जो कि लेस देन ए यार्ड है तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो रेंडर करती है उन विटनेसेस की स्टेटमेंट्स को हाईली इम्प्रोबेबल क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है उनको पहले लिया जाएगा जो ये बताती है कि जो उसको चोट लगी है या जो उसको जख्म है वो लेस देन यार्ड की दूरी से पहुंचाया गया है तो यहाँ पर विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स हो जाती है वो इम्प्रोपेबल हो जाएंगी क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट दिखा रही है कि वो लेस देन यार्ड है तो विटनेसेस की यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है उसके रिगार्डिंग हाईली इम्प्रोपेबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं तो यहाँ पर जो हमने सेक्शन इलेवन के रिगार्डिंग उसके तौर पर हम देख सकते हैं कि जो ये सेक्शन है वो वाइड एंड इट्स इम्पोर्ट ये मतलब एक रिस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करता उन फैक्ट्स की रेंज के ऊपर एंड इट कैन बी एडमिटेड एज शोइंग इनकंसिस्टेंसी और प्रोबेबिलिटीज यानी कि इस सेक्शन के अंदर इनकंसिस्टेंसीज हैं फैक्ट की उनको भी यहाँ पर एडमिट कर सकते हैं या कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं संभावनाएं हैं चाहे वो प्रोबेबल है या इम है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट्स को एडमिट किया जा सकता है एंड ऑल थिंग्स है वो एक कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं तो ये जो आज के हमारे सेक्शन इलेवन के अंदर हमने देखा है किस तरह से जो फैक्ट्स हैं वो इनकन्सटेंस होने के बावजूद भी यहाँ पर रिलेवेंट होते हैं या फिर कोई प्रोबेबल है या इम्प्रोबेबल है उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई फैक्ट्स हैं तो वो भी यहाँ पर रिलेवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं तो आई होप आपको सेक्शन इलेवन के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हों एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग